प्रणामती, क्या नाम था? उनकी विधवा थी। राजा ने उनका देहांत हो गया था तो गुजरात में एक सम्राट थे सुल्तान बहादुर शाह। कौन थे? सुल्तान बहादुर शाह। उन्होंने रानी को आक्रमण करने की चेतावनी दे दी, मैं चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करूंगा। तो वो असहज महसूस कर रही थी क्योंकि उनके पास सेना नहीं थी इतनी कि जो उनसे मुकाबला कर सके। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, किसको लिखी? सम्राट वायु को, कि आप मेरी रक्षा की। उन्होंने एक राखी भी भेजी। वायु सम्राट वायु ने रानी प्रणामती को एक आदेश दिया, संदेश दिया कि मैं वह तुम्हारी रक्षा करूँगा, और वो खुद अपने सैनिक लेके और खुद गए। इस तरीके से उन्होंने रक्षा करी। ऐसी कई पौराणिक कहानियाँ हैं जो कि हमें याद दिलाते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रतीक प्रतीक का ही वो है कर्तव्य, क्योंकि ये रक्षाबंधन आएगा तभी तो ये कर्तव्य बनाता है कि भाई का बहन के प्रति क्या कर्तव्य है, हम इसे हमेशा क्यों मनाना चाहिए। समझ में आया सभी को? तब से लेके अब तक इसी तरीके से रक्षाबंधन मनाते हैं। भाई बहन की रक्षा का वचन देता है कि मैं तुम्हारी हर मुसीबत से कठिनाइयों से रक्षा करूँगा। और जरूरी नहीं है कि आपकी सिस्टर है तो आप उसी की रक्षा करो। आपको ऐसा कोई भी दिख जाए, कोई किसी को मारा तो उसकी वो भी आपकी बहन है,